Hey guys, welcome back to my digital family. तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग। आज मैं दिखाने वाला हूँ एक एक्सीडेंट केस। जी हाँ, अभी जो केस मैं दिखाने वाला हूँ कि जी हाँ, एक बच्चा है जो कि 6 साल का है मात्र, और वो सीढ़ी से गिर गया और उसके ये होंठ जो है ऊपर अंदर से पूरा फट गया है। तो इस केस को कैसे आप संभालेंगे, ये सारी चीजें मान लीजिए कोई डॉक्टर जो स्टार्टिंग प्रैक्टिस किए हैं वो देख रहे हैं तो उनके लिए काफी लाभदायक हो सकता है, और जो जिसके बच्चे छोटे हैं उनको कैसे ध्यान रखें, ये चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है अगर आप अपने बच्चे को ध्यान ना रखें तो कैसा एक्सीडेंट होता है, क्या क्या तकलीफ बढ़ सकती है, वो सारे चीजें, और कैसे आपको ऐसी चोट दिखे तो डॉक्टर के पास जाना है और ये चीजें आपको करवानी है, वो सारी चीजें मैं A to Z बताने वाला हूँ इस केस में, और आपको दिखाने वाला हूँ कि उसको हम कैसे साफ सफाई करके स्टिच कैसे लगाते हैं, कैसे टाके लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो बिना देरी करते हम इस वीडियो को आगे ले चलते हैं और आपके हम दिखाते हैं कैसे क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा केस है जैसे कि आप देख रहे हैं, इनका लिप पे अंदर से पूरा फट गया है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कितना डीप चला गया है। ये देखिए, आप थोड़ा सा क्लोजली देखिए हमारा व्यू कितना ज़्यादा उसको टीयर्स हो गया है, बहुत ज़्यादा डीप भी है इसको। तो हमने इंजेक्शन इनको लगा दिया है। इनको हमने ज़्यादा डीप इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप समझ ही रहे हैं बच्चा है, तो ज़्यादा LA ना देना ज़्यादा सही है क्योंकि फिर वो बाद में उसको प्रॉब्लम होगी कि बहुत फूला फूला लग जाएगा। और चलिए इनको फटाफट हम स्टिच लगा देते हैं, और स्टिच अभी पूरा प्रॉपर हम लगाएंगे, उसके बाद हम कुछ दिन बाद इनको रिकॉल पे डालेंगे, इनको बुलाएंगे कि आप थोड़ा सा स्टिच खुलवा दीजिए। लगभग आप 7 से 8 दिन बाद ही इनको बुलाइए, और इनके जो आप खाने पीने के लिए पहले परहेज आप बोलिए, गरम बिल्कुल नहीं, मसाले वाली चीज़ बिल्कुल नहीं, जो भी खाना है इनको ठंडा और पतला खिलाना है। ठंडे पतले में आप दूध, दलिया, खिचड़ी ये सब इनको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आप इनको जो भी है 7-8 दिन के बाद आप बुलाइए, और इनको मेडिसिन में आप एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक दे सकते हैं और आइबुप्रोफेन वगैरह भी दे सकते हैं इनको, और आप 0 DL SP अगर दे रहे हैं तो आप उसको 3 बार आधी आधी टैबलेट के साथ खिला दीजिए, और सिरप इनको दे दीजिए एंटीबायोटिक की 5 ml 3 बार आप पिलाने के लिए देगा, बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। और 7 से 8 दिन बाद इनको रिकॉल पे डालिए, इनके जो स्टिच हैं वो आप निकाल दीजिएगा। तो ये हमारा केस है। जिन भी परिजन आप देख रहे हैं तो अपने प्लीज़ अपने बच्चों को संभाल के रखिए क्योंकि उन पर ध्यान दीजिए कि कहीं वो गिर ना जाए, और कहीं खेलते रहते हैं तो आप उनको विशेष तरीके से आप उनको ध्यान रखिए कि वो क्या खेल रहे हैं, कुछ खा पी तो नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं जो कि बच्चे कान में कुछ डाल लेते हैं, मुंह में कुछ डाल लेते हैं, गले में अटक जाता है, तो इस तरीके से केसेस काफ़ी बार हमारे पास आने वाला है। ये वीडियो बनाने का मतलब ही यही है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को देख कर ये सीखें कि अपने बच्चे को खेलते कूदते जो भी काम करें उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा कुछ ऐसा खाप तो नहीं रहा है, ऐसा कुछ कर नहीं रहा है कि जिससे वजह से उसको तकलीफ़ हो जाए और बाद में आप भी परेशानी में आ जाए, क्योंकि देखिए छोटा सा बच्चा है, उसको ही अभी से कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे तो आप वो आगे जा के लिए इसके लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिए, बस मैं यही बताना चाहूँगा। और अगर कुछ भी इस वीडियो में स्टेप में आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली उसका मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक, अगर कुछ भी आपको पूछना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टिच लगा रहे हैं पूरा अंदर से लेकर ऊपर तक। स्टिच लगाने के बाद क्या है, घाव अच्छे से सूख जाएगा, तो ये सब चीज़ें हमने किया और फिर पेशेंट को भेज दिया, और 8 डेज़ बाद इनको रिकॉल पे हमने डाला है। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना है, और प्लीज़ मेरे को कमेंट ये भी करना है कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियोस देखना है, वो वीडियो हम जल्दी से जल्दी लेने कर आएंगे आपके सामने। और यूं ही आप इतना प्यार देते रहिए हम लोग को, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को भी सेफ रखिए। तो ये वीडियो बस यहीं तक, बाय। तो जैसा कि ये वीडियो आपने देखा, पूरा हमने इसको क्लीन किया, उसके बाद हमने बीटाडीन और सलाइन से पूरा इरिगेट किया अच्छे से क्योंकि अंदर मिट्टी चली गई थी, उसको क्लीन करके हमने स्टिच लगा दिया। इसको हम 7 से 8 दिन 10 दिन पे आके आराम से खोलेंगे,
100% को रिजल्ट मिलेगा। एंड इसके साथ एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक इनको दिया है और इनके थोड़े से हाथ में भी चोट लगी जो कि हमने ऑर्थोपेडिक को इसको रिफर किया है। तो इसका रिजल्ट आने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ एक्चुअली वो मजदूर हैं तो हो सके अगर मे बी अगर वो आए तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट हम दिखाएंगे, और नहीं आए तो आप ये समझ लीजिए कि उनका 100% ये हील हुए, ये तो हील हो जाएगा क्योंकि हैंड का हमने ट्रीटमेंट किया नहीं है तो उसका हम रिजल्ट तो नहीं बता सकते। जहां तक है उसके हैंड में ज्यादा कुछ नहीं आई क्योंकि गिरने से थोड़ा सा स्वेलिंग जरूर आया है और बाकी पेशेंट बढ़िया है, हैप्पी है। थोड़ा सा उसको दर्द जरूर हो रहा था बट मजबूरी है, इंजेक्शन हम ज्यादा नहीं लगा सकते, थोड़ा थोड़ा हमने इंजेक्शन लगा के उनको ये स्टिच कर दिया जो भी आपने रिजल्ट देखा। तो यूं ही केस आप देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर करिए क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है हमें। और मिलते हैं फिर किसी नए अच्छे वीडियो के साथ।